हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड को टॉप स्किल 50। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो है ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट्स बाय द डेट, और ये हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास एक्टिविटीज नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास दो कॉलम है, सेल डेट और प्रोडक्ट। और यहाँ पे टेबल का इन्फॉर्मेशन लिखा है कि देयर इज नो प्राइमरी की और इट मे कंटेन्स डुप्लीकेट्स, मतलब इस टेबल में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमें बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच डेट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट सोल्ड एंड देयर नेम, मतलब हर एक डेट पर कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं और उनका नाम। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डेट से हमें क्या करना है, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोल रहा है ईच डेट के लिए हमें क्या करना है, दिखाना है। तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा डेट वाले कॉलम से, यानी कि सेल डेट से। और दूसरा बोला है कि उस डेट पे कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, तो यहाँ पे काउंट फंक्शन भी यूज होगा कि इस डेट पे इतना, मतलब कितना हो रहा है, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे यूज करना है और उस प्रोडक्ट का नाम भी दिखाना है। द सोल्ड प्रोडक्ट्स नेम ऑफ ईच डेट शुड बी शॉर्टेड लेक्सिकोग्राफिकली, और जो प्रोडक्ट का नेम होगा उसको हमें शॉर्ट करना है लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में, मतलब डिक्शनरी वाइज, मतलब जो ए से नाम होगा वो पहले, उसके बाद बी से नाम वाला, इस तरीके से। उसके बाद हमें बोला है रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय सेल डेट, हमें ऑर्डर बाय करना है सेल डेट से। तो हम लोग अपना इनपुट देख लेते हैं। एक्टिविटी टेबल जो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, हमें हर एक डेट का में कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं और उसमें हमें उसका नाम हमें शो कराना है। तो देखते हैं यहाँ पर 2020-05-30 में हेडफोन, उसके बाद फिर से ये 2020-05-30 सेम डेट पे बास्केटबॉल भी है, और यहाँ पर एक हमारे सेम डेट पे टी शर्ट भी दिखा रहा है, मतलब इस डेट पे 2020-05-30 पे हमारा तीन प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है, हेडफोन, बास्केटबॉल और टी शर्ट। तो आउटपुट में हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाना है 2020-05-30 में नम सोल्ड नाम का हमें कॉलम बनाना है और उसमें लिख देना है थ्री, कि थ्री प्रोडक्ट्स हमें सोल्ड हुए हैं। और दूसरा है हमारा उसका नेम भी दिखाना है, तो हेडफोन, बास्केटबॉल और टी शर्ट था, हमें लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में दिखाना है। तो सबसे पहले बास्केटबॉल, क्योंकि ये बी से आ रहा है, पहले ये आएगा, उसके बाद एच से हेडफोन और फिर टी से टी शर्ट, ये इस तरीके से हमें दिखाना है। एंड फिर हमारा है दूसरा डेट 2020-06-01 जिसमें पेंसिल दिखाया जा रहा है, एंड फिर सेम डेट पे हमारा यहाँ पे बाइबल दिखाया जा रहा है। तो पेंसिल और बाइबल तो दो प्रोडक्ट हुए, तो इस वाले डेट पे 2020-06-01 पे दो प्रोडक्ट, पहले बाइबल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग पेंसिल लिखेंगे। एंड हमारा जो 06-02 पे है, पहले यहाँ पे दिखा रहे हैं मास्क, एंड यहाँ पे 06-02 पे फिर से मास्क दिखा रहे। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा डुप्लीकेट्स आ गया, सेम चीज़ जो है बार बार रिपीट किया। तो इसमें क्या है, हम लोग जो है दो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, दोनों मास्क है तो दो नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे वन ही हमें दिखाना है। 06-01-02 में वन दिखाना है, एंड प्रोडक्ट में भी हमें दो बार नहीं, मास्क कॉमा मास्क नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार ही मास्क लिखना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि डिस्टिंक्ट हमें यूज़ करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना क्वेरी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम लोग ये चीज़ तो हमें पता है, ग्रुप बाय कर देंगे डेट वाइज, इसमें काउंट लगा देंगे। ये जो प्रोडक्ट है बास्केटबॉल कॉमा हेडफोन कॉमा टी शर्ट, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम लोग ग्रुप कॉन्कैट नाम का फंक्शन होता है स्कूल में, वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्वेरी स्टार्ट करते हैं, लिखना सबसे पहले तो आएगा हमारा सेल डेट, कॉलम का नाम सेल डेट, उसके बाद है नम सोल्ड नाम का हमारा कॉलम होना चाहिए, लेकिन ये इस कॉलम को हमें क्या है, हमें लाना पड़ेगा, तो इसको अलियास करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई कॉलम है भी नहीं हमारे पास। और हमें काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें बोला है कि कितना, मतलब इस डेट पे कितना प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है। तो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे मास्क दो बार था तो दो नहीं एक ही लिखना है, इसीलिए डिस्टिंक्ट लगाएं, डिस्टिंक्ट और हमारा प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एज हमारा नम सोल्ड, ये एक हो गया हमारा कॉलम। कॉमा के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स में ग्रुप कॉन्कैट नाम का फंक्शन, सो ग्रुप कॉन्कैट, और इसका सिंटेक्स है मतलब जिस कॉलम को हमें ग्रुप कॉन्कैट करना है वो चीज़ लिख देंगे। तो ग्रुप कॉन्कैट हमें करना है प्रोडक्ट वाले कॉलम को, बट हमें सारा को नहीं करना है, हमें डुप्लीकेट्स वाले को नहीं करना है, इसीलिए डिस्टिंक्ट यहाँ पे भी लगेगा, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद हमें ऑर्डर बाय भी लिखना है क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में जो है हमें सब क्या करना है, कॉन्कैट करना है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 05-30 में बास्केटबॉल और हेडफोन अलग अलग था, लेकिन हम इसको कॉन्कैट कर रहे हैं और बीच में कॉमा लगा रहे हैं, तो जो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है पहले ये लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर बाय लिखेंगे, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट, ये हो गया। एंड यहाँ पे हमारा जो कॉन्कैटिनेशन का जो सेपरेटर है वो है कॉमा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेटर, और इसका जो सिंटेक्स है सेपरेटर लिखने के बाद सिंगल कोट्स देते हैं, और जो भी सेपरेटर चाहिए हमें, यहाँ पे कॉमा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और इस कॉलम का, इस पूरे का हमें नाम चाहिए प्रोडक्ट्स, तो ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे।
और दूसरी बात, जो हमारा ग्रुप कॉन्कैट है इसका सिंटेक्स हमने लिखा कि हमें डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट को क्या करना है, वाले कॉलम प्रोडक्ट वाले कॉलम को ग्रुप में कॉन्कैटिनेशन करना है ऑर्डर बाय प्रोडक्ट में, और इसका जो बाय डिफॉल्ट यानी कि ग्रुप कॉन्कैट का जो सेपरेटर होता है बाय डिफॉल्ट वो कॉमा ही होता है। तो अगर इस चीज़ को यहाँ से अगर नहीं भी लिखे ये वाली चीज़ों को तो भी हमारा क्वेरी काम करेगा, बट अगर मान लो यहाँ पे कॉमा के अलावा कुछ और रहता सेपरेटर, जैसे डॉट रहता या अंडरस्कोर रहता, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता, सेपरेटर सिंगल कोट्स लिखते और जो भी हमें सेपरेटर चाहिए वो लिख देते। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, ये चीज़ जो है ग्रुप कॉन्कैट हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसका यहाँ पर ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका हमें चाहिए प्रोडक्ट्स नाम का कॉलम, एंड फ्रॉम जो हमारा टेबल का नेम है वो है एक्टिविटीज, ये हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली हमें ग्रुप बाई करना है क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को हर एक डेट का दिखाना है, तो ग्रुप बाई हमारा सेल डेट होगा। एंड हमें क्वेश्चन में बोला था ऑर्डर बाई भी करने के लिए, तो ऑर्डर बाई हमारा सेल डेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी बन गया, इसको रन करते हैं। तो ये क्वेरी हमारा एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे जो ग्रुप कॉन्कैट वाला फंक्शन है ये हमने यूज़ किया, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पे सीखने को। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।